3 मिलीमीटर की ये एक गोली किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। एक गोली डाली, सिर पे तानी, खोपड़ी खाली। लेकिन हमारी फिल्मों के हीरोज Amazing, fantastic, super mind blowing, oh my god, इंडिया का आयरन मैन मिल गया, बुलेट इसके शरीर से लग के वापस बाउंस होके विलेन के ही लग गए, oh my god। आज की वीडियो में एक बार फिर से हम देखने वाले हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड के कुछ और ऐसे सीन्स जिनमें लॉजिक की तो कसम से धजिया उड़ा दी गई है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि शक्ति कपूर एक लेटर की तलाश में ये आंटी जी के पास आता है, और इससे पहले कि आंटी जी उसको वो लेटर दे देती, ये लड़की लेटर को चुरा के भाग जाती है। What the hell? ये 50 फुट की बिल्डिंग इसने ऐसे ही चढ़ गई, ये कौन सी वुमैन है? ये सुपर वुमैन, वंडर वुमैन, बॉलीवुड की अबला वुमैन है ये क्या था भाई, ये what the hell man? इसके बाद शक्ति कपूर को पता चलता है कि वो लेटर एक्चुअली अनुपम खेर के पास है, तो वो अनुपम खेर के पास जाता है, अनुपम खेर को बोलता है कि लेटर मेरे को दे दे, अनुपम खेर उसको लेटर दे भी देता है, लेकिन लेटर के अंदर से कुछ नहीं निकलता है, तो शक्ति कपूर उसका मर्डर कर देता है। पेट में चाकू घोप दिए जाने के बाद अनुपम खेर ऐसे रेंगते हुए फोन के पास जाता है और अपने जजेस पैनल को फोन मिलाता है और उनको कहता है कि आओ सारे मेरे घर पर आओ, मुझे तुमको एक स्टोरी सुनानी है। हेलो चैंबर ऑफ जजेस। 2000 years later. अब चेम्बर ऑफ जजेस अपना टाइम लेके आराम से अनुपम खेर के घर पे इकट्ठा होते हैं। वो तेजा का बेटा नहीं है। माइंड इट, 1.5 घंटे पहले अनुपम खेर के पेट में चाकू घोप दिया गया था। अनुपम खेर तब से वेट कर रहा था कि चेम्बर ऑफ जजेस इकट्ठा होगा ताकि वो उनको स्टोरी सुना सके, ताकि तेजा का असली बेटा रिहा हो सके। और इस पूरे ड्यूरेशन में अनुपम खेर जिंदा है अभी तक, वो जा सकता था चाहे तो हॉस्पिटल जा सकता था। यहाँ पे ये चेम्बर ऑफ जजेस इकट्ठा हो रखे है, पुलिस वाला कमिश्नर इकट्ठा हो रखा है, ये इनको आराम से हॉस्पिटल लेके जा सकते थे ताकि अनुपम खेर बच जाए, लेकिन नहीं, इसको मरने देंगे, इसकी स्टोरी भी सुनेंगे और उस पर गंदे गंदे से रिएक्शन भी देंगे। और इस पूरी ड्यूरेशन में यमराज गेट पे खड़ा वेट कर रहा है, कह रहा है हाँ भाई कोई नहीं, तू आराम से अपनी स्टोरी सुना ले, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं खड़ा हूं यहां पे वेट कर रहा हूं, तू इनको स्टोरी सुना, आराम आराम से मर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑनेस्टली यार, मर ही नहीं रहा बंदा, अरे मर जा यार, मतलब स्टोरी सुनाए बिना नहीं मरेगा, क्या है यार बॉलीवुड। और इसके बाद फाइनली अपनी स्टोरी पूरी सुना देने के बाद अनुपम खेर मर ही जाता है, जिस पर इन 10-10 रुपए वाले भाड़े के एक्टर्स का रिएक्शन होता है ये, ओहो बड़ा बुरा हुआ, मर गया बेचारा, पर चलो कोई नहीं, इसके चौथे पे फ्री की खीर तो मिलेगी। तो इस सीन में हम देखते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती एक करप्ट पॉलिटिशियन को धमका रहा है कि मैं तेरे को मार डालूंगा। तो अब मिथुन के डर से पॉलिटिशियन गाड़ी में बैठता है और एयरपोर्ट के लिए निकल लेता है। मैं ये शेर छोड़कर खुद ही भाग जाता हूँ। इसके बाद अपने मिथुन दा कम्स अप विद अ मास्टर प्लान, एक ऐसा यूनिक तरीका इस पॉलिटिशियन को मारने का। ये क्या कर रहे हो? अरे महावीर जाधव, घबराहट में तुम्हें मुझ में और मेरे कटआउट में फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब ये मंत्री सड़क पर जगह जगह लगे मिथुन दा के कागज के कटआउट्स को देख के अपनी गाड़ी खाई में कुदा देता है। अब मंत्री जी की मौत के बाद हमारी फिल्म का मेन विलन बदले के लिए मिथुन के घर को आग लगा देता है। घर को आग लगा दो, जाओ। इसके बाद ये भाड़े में उठाए 10-10 रुपए वाले कमाल के एक्टर्स घर के ऊपर पेट्रोल फेंकना शुरू कर देते हैं। क्या तुमने कुछ अजीब सा देखा? तो ये हमारे फिल्म के विलन ने बॉम्ब उठाया, बॉम्ब को अपने मुंह से छीला और ये बॉम्ब फेंका घर के ऊपर और ये घर फट गया, चलो ठीक है। लेकिन यार मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि जब ये बॉम्ब फेंक रहा था तब पीछे पिच ब्लैक डार्क अंधेरा था, मतलब रात का टाइम था ऑब्वियसली, और जब ये इसने बॉम्ब फेंक दिया है और घर फटा है तब दिन निकल चुका था, ये कैसे हुआ बे? अब इसका इकलौता रीजन जो मुझे लगता है हो सकता है वो ये है कि बॉम्ब कह रहा होगा रुक जाओ भाई रुक जाओ, दिन निकलने दो, आराम से फटूंगा, लेट मी टेक माय टाइम, ज्यादा प्रेशर ना डालो मेरे ऊपर। Damn, it feels good to be a gangster. हाँ बात तो ठीक है, परफॉर्मेंस प्रेशर तो यार किसी को भी हो जाता है, मतलब ठीक है बॉम्ब है तो क्या, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, नहीं फटना चाहता बेचारा, रात को दिन में ही फटेगा। बॉम्ब से याद आया, इस सीन में इस हीरोइन के ऊपर कुछ गुंडे बॉम्ब फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हियर कम्स आवर सुपर हीरो धर्मेंद्र जी, जिन्होंने हवा में, ओ माय गॉड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नो, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप नाउ,
Just stop it. अब तुम चाहे कोई भी हो, दाढ़ी वाला गंजा, मूछ वाला गंजा या फिर ये बेवड़ा, इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने से जब जब बम फेंका जाएगा, धर्मेंद्र पाजी की लात उसको हवा में किक करने के लिए कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाएगी। साला इतना कंसिस्टेंसी के साथ तो रोनाल्डो और मेसी गोल नहीं मारते जितने कंसिस्टेंसी के साथ धर्म पाजी बम मार रहे हैं। ओए यार। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। तो इस सीन में हम देखते हैं कि हमारे फिल्म का हीरो बहुत बुरी तरह जख्मी है, हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर कहता है ये 10-15 साल से पहले तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इसे मेडिकल की नहीं मिरेकल की जरूरत है। इसके बाद फिल्म का विलन हीरो के माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड पर गोली चला देता है और हीरोइन की ये जोरदार पुकार सीधा जा पहुंचती है हमारे हीरो के कान तक। और इसके बाद हमारा हीरो जो अभी तक डॉक्टर कह रहा था उठ भी नहीं पाएगा, उठता है और सीधा पुशअप्स मारना शुरू कर देता है। This is not okay. It's time to stop. It's time to stop. इसके बाद हमारा हीरो उठता है, तैयार होता है, बूस्ट का एक चम्मच खाता है, ट्रैक्टर में बैठता है और अपना टाइम लेके आराम से पहुंचता है गोडाउन में जहाँ पे उसके माता पिता को किडनैप करके रखा हुआ है इस विलन ने और गोली अभी तक हवा में ही है। और पिछले 15 घंटे से ये गोली जो इसके माता पिता तक पहुंची नहीं थी, हवा में ही तैर रही थी, इस हीरो को देख के तो भाई वो अपनी डायरेक्शन ही बदल लेती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। By the way, सीन को ज्यादा सीरियसली मत लेना, ये एक पैरोडी फिल्म का सीन था। Anyways, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाले बटन को दबा देना। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।